पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे हो तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। मेरी सरकार भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने में जुटे हैं। ये मानव जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। साथ ही ये स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके कारण अनेक नए स्पेस स्टार्टअप्स बने हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो भारत का गगनयान स्पेस में जाएगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है।
आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा है। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष में विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। दो हजार चौदह से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8% से अधिक थी। पिछले दशकों में औसत महंगाई दर 5% रही। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत में घरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। पांच करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारी तक ही सीमित रखा जाता था,
मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा वैसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए महलों में भी एकमत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कामेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए।